सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैंडम एक्सजोन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीवर्स के एपिसोड 4 के बारे में। एंड आज के वीडियो को लाइक ही मैं रख रहा हूं 100 लाइक्स का, तो जाओ यार ठोको लाइक्स, क्योंकि यार नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द है। कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेयब्लेड्स रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती है। सो लेट्स मूव टू आवर वीडियो। तो हाँ गाइस, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जो टाइसन रहता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है केनी के लिए, और लास्ट में हम लोगों ने 16th ब्लेडर की भी एंट्री देखी थी। तो अब हाँ, अब अगला दिन होता है और बस 2 दिन और रह गए टूर्नामेंट को, और कह सकते हैं बहुत ही पास टूर्नामेंट आ चुका है और जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही सुबह होती है बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, तो सब लोग आते हैं हॉल में, या फिर कह सकते हैं सब लोग ग्राउंड में आते हैं, और वहाँ पे जो बर्स्ट के ब्लेडर रहते हैं बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे रहते हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। और वो लोग गुस्से में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लोग कहते हैं कि तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो टाइसन, तुम लोग क्या समझते हो। मतलब बेसिकली वो लोग टाइसन, जिंगा, रयुगा, इन लोग को टारगेट करके कहते हैं। रयुगा तो वहाँ पर नहीं रहता, बट हाँ रयुगा का नाम वहाँ पे आता है। सब लोग उसको टारगेट करते हैं, काय को, टाइसन को, कि तुम लोग हम लोग को क्या समझो, हम लोग बर्स्ट के ब्लेडर हैं, हम लोग का ब्लेड उतना अच्छा नहीं है, तुम लोग क्या ये समझते हम लोग कमजोर हैं। और हम लोग एक बार बोल देते हैं, बेसिकली वहाँ पे शू भी आता है, वो लोग का शू कहता है कि एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि तुम लोग भले ही हम लोग को कमजोर समझ रहे हो, लेकिन हम लोग जब बे बैटल करेंगे दिखा देंगे हम लोग के अंदर कितनी हिम्मत है, और तुम लोग को ज़रूर हम लोग हराएंगे भी। तो हाँ, उसका होता यह है कि वहाँ पे जो वॉल्ट रहता है, आएगा रहता है, ये लोग बेसिकली आते हैं ट्रेनिंग करने, और वहाँ पे जो शू और फ्री रहते हैं वो लोग अकेले में ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि जानते हो यार फ्री और शू थोड़ा से कह सकते हैं अलग माइंडेड है। तो हाँ, वो लोग अकेले जाते हैं ट्रेनिंग करने, बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। और वहाँ पे अगर हम बात करें आएगा और वॉल्ट, तो वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, और बहुत ज़्यादा दिन रात वो लोग मेहनत करते हैं, बर्स्ट के ब्लेडर्स जितने भी रहते हैं बेब्लेड बर्स्ट के, क्योंकि वो लोग साबित करना चाहते हैं कि जो लोग समझ रहे हैं कि वो लोग कमजोर ब्लेडर्स हैं, वो लोग प्रूफ करना चाहते हैं सबको कि वो लोग ही बेस्ट हैं। तो हाँ, वहाँ पे वो लोग सब ट्रेनिंग करते हैं दिन रात, मतलब ट्रेनिंग करते हैं, और अब बस एक दिन बच गया है। तो हाँ, अभी तक ट्रेनिंग मिली है नहीं, तो क्या होगा अब, तो आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली शाम को वो माहौल रहता है, और वहाँ पे टाइसन आता है, वो कहता है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे ब्लेडर मुझे दिखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोग से फाइट करूँ। तो वहाँ पे जो रहता है वॉल्ट, वो कहता है कि नहीं, आज तो मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, क्योंकि बेसिकली मैं लड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर चुका हूँ। और वैसे ही हाल एकदम आएगा का रहता है। आएगा वॉल्ट वहाँ पे सबका शू, सबका मतलब यार कह सकते हो एकदम वो लोग ट्रेनिंग कर करके पागल हो चुके हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग वो लोग चाहते हैं कि यार वो लोग हराएं। तो वहाँ पे टाइसन जो रहता है वहाँ पे खड़े रहता है, कहता है कि ठीक है हम लोग कल लड़ेंगे। फिर वहाँ पे शू आता है, कहता है कि नहीं, भले ही हम लोग ट्रेनिंग कर करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ और मैं दिखाता हूँ हम लोगों ने जो हार्ड ट्रेनिंग करी है उसका क्या रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम भले 3 बार वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मेरा और मेरा ब्लेड स्प्राइजन तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। तो वहाँ पे बेसिकली टाइसन वर्सेस शू का बैटल होने वाला रहता है। एंड गाइस, यहाँ पे बे बैटल स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 लेट इट रिप। सो गाइस, ये वाला बे बैटल स्टार्ट हो जाता है, टाइसन अपने ड्रैगन को लॉन्च करता है, लेकिन यार टाइसन के अंदर ये रहता है कि यार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइसन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है यार, केनी उसको मिली नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, और ऊपर से वो बेब्लेडिंग भी कर रहा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता है। और वहीं अगर हम बात करें शो के बारे में, तो शो एकदम मोटिवेटेड रहता है, एकदम स्ट्रांग रहता है। और अगर हम बात करें वहाँ पे शो के ब्लेड के बारे में, तो उसका स्पिन इतना तेज़ हो रहा था आप विश्वास नहीं करोगे, उस समय शो जैसे लग रहा था शो है ही नहीं, इतना तेज उसका ब्लेड स्पिन हो रहा था। और टाइसन देख के शॉक जाता है, क्या ये बेब्लेडर्स जिनको मैं समझ रहा था इतना कमजोर, उसका स्पिन इतना तेज। वहाँ पे जो ब्लेड ब्रेकर्स आते हैं वो लोग सोचते हैं कि टाइसन तो यार 1 मिनट में हरा देगा शो को, बट जब वो लोग देखते हैं कि शो की ब्लेड की स्पिन इतनी तेज रहती है, तो वो लोग मतलब यार क्या ये हो रहा है, मतलब उसको मतलब यकीन नहीं होता टाइसन को, पूरे ब्लेड ब्रेकर्स को, कि क्या ये लोग बेब्लेडर्स इतने कमजोर भी नहीं, इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो वहाँ पे बेब्लेडर्स स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे जो टाइसन आता है जाओ ड्रैगन, लेकिन यहाँ पे होता ये है कि ड्रैगन ब्लेड से बाहर आता ही नहीं। जी हाँ गाइस, वहाँ पे जो ड्रैगन रहता है वो बेब्लेड से बाहर आता ही नहीं, और आप विश्वास नहीं करोगे, शू ने बस अपना एक फिनिशर मूव मारा और वहां पे टाइसन का ब्लेड डिस्क से बाहर, आप विश्वास नहीं करोगे, बट हाँ ये हुआ है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब नाराज़ हो जाते हैं, मतलब यार माहौल ही पूरा गर्म हो जाता है, टाइसन कैसे हार सकता है शू से यार, सब लोग मतलब ये सोचते हैं टाइसन कैसे शू से हार सकता है, ये मतलब इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे सब लोग शू को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। शू कहता है कि भले ही तुम टाइसन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन यहाँ पे जब बात आती है बेब्लेडिंग की, तो बेब्लेडिंग में कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं जीत सकता, बेब्लेडिंग में तुम्हें अपना हार्ट कनेक्ट करना पड़ता है। और वहाँ पे टाइसन डीमोटिवेट हो जाता है, वो मतलब भाग जाता है वहाँ से, मतलब दौड़ के चला जाता है, कहता है कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता ये, कहने के बिना मैं नहीं लड़ सकता।
ऐसे वो बोलता है, तो वहाँ पे शू जो रहता है वो तो छुप ही रहता है, और वहाँ पे जो ब्लेड ब्रेकर्स रहते हैं वो लोग मोटिवेट करते, नहीं टाइसन यार ऐसी बात नहीं है, कैनी मिल जाएगी, तुम बस बेब्लेडिंग पे फोकस करो, अगर तुम्हारा ऐसा ही हाल रहा तो चैंपियनशिप में कैसे लड़ोगे। अभी तो ये ट्रेलर था, ऐसे शू कहता कि अभी तो ये ट्रेलर था, जब तुम टूर्नामेंट में हम लोग भिड़ोगे, यानी कि जो मतलब कह सकते शू से, और यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्ट हो गया, लुई हो गया, फ्री हो गया, तो फ्री तो बेसिकली बोलता ही नहीं यार, फ्री तो एकदम मतलब अकेले में ट्रेनिंग करके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है, और यहाँ पे सभी बस्ट के ब्लेडर जो रहते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करके स्ट्रांग हो चुके हैं। और शू ये भी कहता है कि टाइसन मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये रियल ताकत नहीं है, और मैं जानता हूँ आई थिंक कि तुम्हारा जो दोस्त कैनी है वो जब खोया है तो मुझे लगता है कि इसलिए तुम अपनी पूरी ताकत दिखा नहीं रहे, और इसलिए तुम्हारा ड्रैगन भी बेब्लेड से बाहर नहीं आ रहा। ये सब शू कहता है। वो कहता है कि ठीक है आज तो मैं तुम्हें हरा दिया हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि तुम अपना फुल पोटेंशियल निकालो, और मुझे इस टाइसन से नहीं लड़ना है, मुझे उस टाइसन से लड़ना है जो अपने पूरे इंटरेस्ट से बेब्लेडिंग करता है। टाइसन वहाँ से जाने वाला रहता है, लेकिन टाइसन को बेब्लेडर्स रोक लेते हैं, यानी कि ब्लेड ब्रेकर्स वहाँ पे वो लोग रोक के उसको मोटिवेट करते हैं, और गाइस बहुत ज़्यादा टाइसन की हालत ख़राब हो चुकी है, कैनी नहीं मिल रही उसको, और क्या होगा आगे। तो अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो रहता है एक डिकेंसन आते हैं, जी हाँ गाइस मिस्टर डिकेंसन, वो कहते हैं हेलो टाइसन, मतलब यार हेलो ऐसे कहते पहले, उसका वो कहते हैं टाइसन तुम जिस तरह से बेब्लेडिंग कर रहे हो मैंने तुमको बेब्लेडिंग करते हुए देखा है, और मुझे नहीं लगता है कि यार तुम वो टाइसन हो जिसको मैं जानता हूँ। तो टाइसन कहता है हाँ मैं वो टाइसन नहीं रहा जिसको आप सभी लोग जानते हो, और मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो रहा मुझसे, क्योंकि कैनी यहाँ पे नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मैं टूर्नामेंट में अब ज़्यादा देर तक टिक पाऊँगा, अभी मैं बस शू से हारा हूँ, और मुझे लगता नहीं कि मैं टूर्नामेंट में ज़्यादा देर तक टिकने वाला हूँ। तो वहाँ पर जो मिस्टर डिकेंसन कहते हैं कि नहीं यार ऐसा मत करो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हो, बस खुद पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ। तो टाइसन कहता है नहीं मुझसे नहीं हो सकता, और उसका वो मिस्टर डिकेंसन कहता है मिस्टर डिकेंसन आप मेरा नाम वापस ले लीजिए, अब मुझसे नहीं होगा। तो मिस्टर डिकेंसन कहते हैं कि हाँ मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ, जब तुमने पिछली बार मुझसे बात कही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगा था, और उसके बाद मैंने एक चीज़ सोचा है। तो वो कहते हैं क्या आपने क्या सोचा है? तो मिस्टर डिकेंसन कहते हैं कि मैंने एक चीज़ सोचा जो मैं तुमको जल्दी दिखाऊंगा आगे, और जब तुम उसको देखोगे तो तुम्हारे आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो उसका मिस्टर डिकेंसन को एक कॉल आता है, तो बेसिकली कॉल को उठाते हैं, तो बेसिकली उस पर टाइसन के दादाजी रहते हैं, जी हाँ गाइस टाइसन के दादाजी। तो मिस्टर डिकेंसन उनका कॉल हटाते हैं, उसका उसके दादाजी मिस्टर डिकेंसन पूछते हैं क्या टाइसन वहाँ पे है? तो बेसिकली जो मिस्टर डिकेंसन रहते हैं कहते हैं हाँ टाइसन यहाँ पे है, तो जो फ़ोन रहता है बेसिकली दे देते हैं टाइसन को। तो उसका टाइसन कहता है जी दादाजी क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि मेरे घर यानी कि अब काय आया, और काय कुछ बात करना चाहता है तुम्हारे साथ, और कुछ बड़ी बात है वो तुमको बताना चाहता है। सो डैट्स इट यार, आज के स्टोरी में इतना ही, और बहुत से लोग कहेंगे भाई तुम यार सस्पेंस पे सस्पेंस करे जा रहे हो, बट इसका कोई आंसर तुम दे नहीं रहे हो। तो हाँ गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चलेगा कि मिस्टर डिकेंसन क्या बताना चाहते हैं टाइसन को, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि काय क्या बताना चाहता है टाइसन को, और बहुत कुछ आपको अगले एपिसोड में रिवील होने वाला है, यानी कि फिफ्थ एपिसोड। तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग शॉक हो जाओगे कि भाई तूने क्या कर दिया। तो हाँ यार वीडियो को देखते रहो, इन्जॉय करते रहो इस सीरीज़ को, अगर आपका सपोर्ट आया 700 लाइक्स जैसे ही होंगे वैसे नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी, तो जाओ यार लाइक करो आप लोग, एंड अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो भाई एक बार कमेंट कर दिया करो कि हाँ भाई जो तुम सीरीज बना रहे हो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड गाइस बहुत लोग सोचते हैं कि क्या ओरिजिनल सीरीज से कोई इसका नाता है? तो नहीं गाइस यार ये एक फैन मेड सीरीज है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। एंड यार मैं जानता हूँ फैन मेड सब लोग कर रहे होंगे यार जब ओरिजिनल सीरीज से इसका कोई मतलब ही नहीं तो मैं क्यों देखूँ? तो यार देखो ओरिजिनल सीरीज का सीजन 4 में अभी टाइम है, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इस सीरीज को लाया जाए। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट इसमें दिखेगा तो नेक्स्ट एपिसोड यानी कि फिफ्थ एपिसोड आएगा, तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए, अगर सपोर्ट दिखा तो नेक्स्ट एपिसोड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हाँ गाइज आज के वीडियो में इतना ही, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बेब्लेड रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती है। सो गाइज हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।